नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का। आज हम चर्चा करेंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बारे में। सर, आपसे हम पूछना चाहता हूं कि क्या शरद पवार का गेम ओवर हो गया है शिवसेना पर? क्योंकि शिवसेना की सब कुछ गई, सत्ता गई, पक्ष गया, सब कुछ गया, कुछ रहा नहीं गया, निशानी भी गया जो। तो अब क्या आपको क्या लगता है कि अब जो है शरद पवार का कुछ और अगला गेम कुछ प्लान चल रहा है? पवार का गेम ओवर होना मतलब ख़त्म होना, वो ख़त्म नहीं हुआ है जी, अभी अभी तो शुरू हुआ है। क्या बात है, अभी बहुत सारा ख़त्म करना बाकी है। पवार साहब ने परसों बड़ी निर्लज्जता के साथ ये बताया कि जो 80 घंटे का सरकार बनी थी वो आइडिया मेरा ही था, जो हम लगातार बताते आ रहे थे और इनकार करते आ रहे थे, कई बार बताए थे जी। और मैंने ये भी बताया था कि हमारा जितेंद्र है वो बलि का बकरा बन गया बीच बीच में। अजीत दादा को मालूम था क्या करना है, शरद पवार जी ने ही उसको बताया, पूरा स्क्रिप्टेड था, और ये बीच में घुस के बदनाम हो गए जी। और लोग हंसने लगे, अभी कल तो हंस रहे थे। मैंने भी उसको थोड़ा मजाक में पूछा कि तुझी प्रतिक्रिया क्या है, तो मनाला माला था, ऑलरेडी शर्म के मारे डूब मरने की बात हो गई है, अभी और मेरे को जलील मत करो, फोन रख दिया उसने। तो सर कैसे है ना कि शरद पवार ने किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के बदले एक इसको तुम्हारे उद्धव को मुख्यमंत्री बनाया, वहाँ से गेम स्टार्ट हो गया कि उनको जितने भी काम करके लेने थे जी, बड़े बिल्डरों के, उनके सर इतने संबंध बड़े हैं, हजारों करोड़ों के इंटरेस्ट हैं, तो वो सब काम उद्धव से उन्होंने करवा लिए जी। अभी उद्धव के खिलाफ अगर ईडी की, सीबीआई की या तुम्हारे इसकी इंक्वायरी लगती है इनकम टैक्स की जी, तो सर मंत्रालय में कागजात तो मौजूद है और फडणवीस जैसे होम मिनिस्टर हैं, वो एक एक कागज निकालना चालू करेंगे उद्धव के सिग्नेचर के, और उसके लिए फडणवीस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पवार साहब के जो चमचे हैं जो फडणवीस के साथ भी है, वो फडणवीस साहब को पवार साहब ही इंक्लिनेशन इंडिकेशन दे देंगे कि ये कागज़ ढूंढो, ये फंस जाएगा ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के चंगुल में, ये फंस जाएगा, क्योंकि उन्होंने करवाया है कारना में, मगर सिग्नेचर उनका कहाँ है? सिग्नेचर तो इसका उद्योग है। दूसरी बात यह है कि उनको मालूम था कि जब तक शिवसेना ख़त्म नहीं होती उद्योग की, तब तक राष्ट्रवादी को उसकी जगह लेने का चांस नहीं मिलेगा। आज की तारीख में शिवसेना नंबर दो थी, भाजपा नंबर एक था, तो दो, तो इनको अभी शिवसेना को इतना नीचे ढकलना है, इसकी शिवसेना को उद्धव की, उबाठा को, उबाठा ही बोलेंगे, उबाठा कि भाई उसकी तुलना या तो प्रकाश अम्बेडकर के वंचित से की जाए, इतना नीचे गिरे वो संख्यात्मक और शक्ति प्रयोजन से, या तो मनसिखे से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हो गया तो मनसे से, राज ठाकरे जैसा लीडर तो है नहीं है उद्धव, तो उसमें वो कामयाब ऑलमोस्ट हुए हैं। एकनाथ शिंदे का जो बगावत हुआ है सर, उससे मैंने कल मेरे मराठी वीडियो में बताया कि आनंदित जो दो लोग हो गए उनमें से नंबर एक पे पवार साहब है, नंबर दो पे संजय है, नंबर तीन पे मिलिंद नार्वेकर है, जिन तीन लोगों को बहुत एकदम हर्षोल्लास हो गया उद्धव का अधपतन होता हुए देख के, उसका मुख्यमंत्री पद जाते हुए, उनमें से ये तीन है। आपका विशेषता ये कि तीसरा नाम मैंने मिलिंद नार्वेकर, ये मराठी में नहीं बताया था, अभी आपके सामने बताया। सर आगे चल के इनके उम्मीदवार आमदार अपात्र करने का काम जो है वो राहुल नार्वेकर नीचे करेंगे, और अभी ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रवादी विधान परिषद में जी बीजेपी की जो ताकत कम पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, उसके लिए वो 12 लोगों के लिए तो करेंगे, और नए राज्यपाल जो है वो अभी कभी भी उनका अनाउंसमेंट कर देंगे जी, तो वो 12 आ गए तो ज़रूरत नहीं, मगर अगर नीलम गोरे को हटाना है बीजेपी को उपसभापति पद से, क्योंकि अभी सभापति नहीं होने के कारण वो सभापति है जी, तो उसको ही हटाना है। सर राष्ट्रवादी वाले विधान परिषद में सभा त्याग करेंगे,
और मतलब सपोर्ट भी नहीं हो अपोज भी नहीं, और नीलम गोरे का पच जाएगा, वहाँ भाजपा जाएगी, वहाँ भाजपा का ऊपर नीचे मतलब एक अपक्ष को वो उपाध्यक्ष बनाएंगे, उपसभापति और सभापति बनाएंगे, मतलब और एक पवार साहब का कारनामा सफल हो जाएगा। सर एक और बात मुझे दिख रही है कि जो लोग अभी उद्धव के साथ है, 10-12 लोग कुछ है, 10-12 लोग, तो उनमें से 3 या 4 लोग ऐसे हैं कि जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते या शिंदे गुट में भी नहीं जाना चाहते, तो उनको एक ऑप्शन पवार साहब देने की कोशिश में है कि भाई तुम रिज़ाइन करो, क्योंकि चार ही हो तुम, चार है, चार नाम भी बता सकते उनके, चार हैं और उनको दोनों में नहीं जाना है, तो तुम राष्ट्रवादी में आ जाओ, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रवादी बना के रखे हैं हम लोग ने, मगर रिज़ाइन करके आ जाओ, तुमको फिर से चुनाव जीतने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, तो वहाँ भी तोड़ रहे हैं। सर और एक बात चल रही है, मेरे पास कन्फर्मेशन नहीं है, जब होता है तब मैं बोलता हूँ, कन्फर्मेशन है मेरे पास, सर प्रियंका चतुर्वेदी जी जो शिवसेना की हैं, वो शायद राज्यसभा रिज़ाइन करके राष्ट्रवादी की ओर से खासदार की राज्यसभा की पाने की कोशिश करेगी, उसकी बात पवार साहब से हो चुकी है, संजय ऑलरेडी रेस्ट्रिकेट हो रहा है, संजय को निकाल रहे, राज्यसभा से निकाल रहे, ये निकाल रहे, तो एक ही बचा वो अनिल देसाई जी, वही एक बच गए, तो एक रहेगा तो ठीक है, उसका देखा जाएगा बाद में, मगर प्रियंका चतुर्वेदी राष्ट्रवादी में जाएगी और रिज़ाइन करके जाएगी, या तो इस तरह से मैनेज करेंगे कि उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा संजय के साथ साथ, तो और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, सस्पेंड होगी तो इंडिपेंडेंट हो गई वो बिल्कुल, और उसकी राज्यसभा के भी ये भी चली गई, और फिर वो खड़ी हो सकती है। सर अभी बच्ची कुची शिवसेना तोड़ने में भी राष्ट्रवादी हाथ लगाएगी, और एक सबसे बुरी खबर उद्धव जी के लिए ये है कि इसके आगे चल के जो चुनाव होंगे स्थानिक स्वराज्य संस्था के, उसमें राष्ट्रवादी का अभी मूड पवार साहब का काहे के लिए राष्ट्रवादी बोल रहा हूँ, ऐसा है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों मिल के चुनाव लड़े और उद्धव को बाजू में रखें, तुम अपने हिसाब से करो जो करना है, उनको जो करना है करो, क्योंकि तुम वो बहाना ये बनाने वाले हैं कि तुम प्रकाश अम्बेडकर के साथ गए और वो हमारा टीकाकार है और वो हमारे खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने वाले हैं, तो हमारा युति इनडायरेक्टली भी टूट रहा है, तो हम पूरा ही तोड़ देते हैं सर, ख़त्म ना। पवार साहब का अगला गेम ये है कि अम्बेडकर का बहाना बना के तोड़ देने का, आघाड़ी टूट गई, वो भाटा को एकदम पूरी तरह से ख़त्म, अपना ख़त्म, बोरिया बारा गुंडा के मातोश्री में रहने के लिए। सर ऐसी स्थिति में क्या राज ठाकरे आगे आएंगे अपने भाई को बचाने के लिए? बिल्कुल नहीं, वो तो किनारे पे बैठ के बड़ी कुर्सी में आराम से बैठ के ऐसे पैर हिला के मेरे से पंगा लिया था, उसको बाहर किसने निकाला? शिवसेना से उद्धव नहीं निकाला ना, बाला साहब ने थोड़ा निकाला, बाला साहब तो उसका सूप पीते थे जी मरते दम तक, वो उद्धव नहीं निकाला, वो तो खुश होगा सर, महाराष्ट्र में उद्धव के जाने से खुश होने वाले में पवार साहब है, संजय है, तुम्हारा मिलिंद नार्वेकर है, बीजेपी तो उसके साथ साथ राज, बीजेपी का समझ सकते थे, राज ठाकरे भी बहुत खुश होगा, वो बोलेगा, क्योंकि सर कैसे है ना, जैसे राष्ट्रवादी जगह लेने की सोच रही है जी, वैसे राज भी सोच रहे होंगे भाई उबाठा खत्म होगी तो वो जो शिवसैनिक है उनमें से जिनको कहीं नहीं जाना है वो शायद उनके साथ आ जाएंगे, बिल्कुल, तो राज ठाकरे भी खुश है, उसको जीवदान क्यों देंगे सर, अभी ख़त्म हो रहा है उसके नसीब से, तो उसको बचा के पानी पिला के सर्प को दूध पिला के बड़ा करके खुद कोई डस लेना क्यों करेगा राज? सर अभी तो राज ठाकरे एकदम ओपनली बाहर आ जाना चाहिए और लोगों के बीच में पहुँच जाना चाहिए, हमारा दौरा पर तो निकले ही थे और पूरी तरह से एक्टिव हो जाना चाहिए था। नहीं सर उनका वो स्वभाव नहीं है जी, वो उद्धव और उनमें भेद अनेक है मगर साम्य एक है, दोनों घर से निकलना नहीं चाहते। ओ तो कैसे सर, कैसे पार्टी बनाएंगे, कैसे पार्टी चलाएंगे, क्या ऐसे ही सर वही तो जहाँ है वहाँ पे पड़े हैं, इतने साल हो गए सर। पवार साहब 83 की उम्र में सर कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, अलग बात है, उनकी इच्छा शक्ति है,
उनको सुप्रिया को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना है, उसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। इनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हो गया इनका काम, खाना पूर्ति पूरी हो गई। किसकी? अजीत? नहीं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की। हाँ, वो जिंदगी में बनेंगे नहीं दोनों। अच्छा, कभी नहीं बनेंगे। अभी चांसेस बनने के अगर है तो शिंदे साहब तो 5 साल रहेंगे तो। और फडणवीस के थोड़े से चांसेस हैं, अजीत दादा के थोड़े से चांसेस हैं, सुप्रिया के थोड़े से चांसेस हैं, बाकी किसी के नहीं। कांग्रेस में तो कोई नहीं बनेगा। ये तुम्हारा बारा साहब थोरात, ये पटोले, अशोक, कोई नहीं बनेगा। अभी सब ये बीजेपी और राष्ट्रवादी की टक्कर होगी, ऐसा वो देखेंगे। खत्म। राष्ट्रवादी ने जो गेम ओवर जो गेम किया है सर, ये अपने आप को अभी कहाँ पा रही है राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी नंबर दो पे देख रही है, नंबर दो पे अपने आप आ रही है। हाँ, बनेंगे बनेंगे अगले चुनाव में राष्ट्रवादी नंबर दो, नंबर तीन पे। और राष्ट्रवादी पे भाजपा कितना भरोसा करेगी अब जब सब कुछ खुलासा हो गया है तो? सर कैसे ना, भरोसा करना नहीं करना ये बात है कि बीजेपी वाले भी इतने मूर्ख थोड़े तो है, उनको भी इनका राष्ट्रपति राजवट हटाने के लिए ये गेम है ये समझ में नहीं आया होगा। और वो भी चाहते होंगे कि राष्ट्रपति राजवट उठ जाए, इस बहाने पे बदनाम ये होंगे आज नहीं तो कल पार्टी चेंज करके। उनको मालूम था कि भाई एकनाथ जी को तो कभी का वो बल दे रहे थे, वो एकनाथ जी पीछे पड़ गए, कोरोना की वजह से रुके हुए थे। हाँ, तो कोरोना का जो सब है वो हो गया, अभी उनके हाथ में जब दौर आ गई तो उन्होंने कर दिया। और राष्ट्रवादी और बीजेपी का एक दूसरे से सहयोग सर कनेक्ट जिला परिषद में है अभी, मालूम मत कर लो जिला परिषद में है, महानगर पालिका बर्खास्त है। पर कल मैं आश्चर्य नहीं होगा अगर शिवसेना बहुत पीछे पड़ गई, नंबर 3-4 पे गई और बीजेपी को थोड़े वोट कम पड़ गए, तो सर राष्ट्रवादी और बीजेपी मिलके मुंबई में भी सत्ता बना सकते हैं, महापालिका की। महापालिका सर वो कहीं भी बना सकते। सर राष्ट्रवादी ऐसा एक जोकर है कि जो दूरी तिरी 24 56 37 जो भी पत्ता में किसी साथ भी और उनको सर कैसे है तो बोलते हैं ना, कामा तो नाम न भयम न लज्जा, उसी तरह से सत्ता तो नाम न भयम न लज्जा, वो सत्ता के प्यासे हैं जी। सत्ता जहाँ होगी उसके लिए कुछ भी करेंगे, लात भी मारेंगे और लात भी पकड़ेंगे। तो आगे के दिन जो है उद्योग के ख़त्म हो गए, वे राष्ट्रवादी और बीजेपी छोड़ के बाकी सब पार्टियाँ धीरे धीरे आपको समापन की तरफ। धन्यवाद अत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि शरद पवार का क्या गेम ओवर हो गया है, यानी शिवसेना के ऊपर यानी उबाठा के ऊपर क्या गेम ओवर हो गया है, और आप क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमेशा की तरह जो हमारा रिक्वेस्ट है उसको फॉलो कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।